नमस्कार, मैं हूं पंकज बेनवंशी और आप देख रहे हैं नवीनबे आवाज़ का खास कार्यक्रम जनता की आवाज़ में। नवीनबे आवाज़ के माध्यम से आज हमने सवाल लिया है, जो चार जजों ने मुद्दा उठाया है मीडिया के सामने, जो 7 पन्नों का प्रस्ताव रखा है, इसी मुद्दे को लेकर हम नवीनबे करो से जानेंगे क्या कुछ सही है, इससे क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। आइए मिलते हैं नवीनबे करो से, क्या कुछ उनका कहना है। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जब पूछें तो वो गलत है, क्योंकि किसी भी जज को या बाहर कॉमन लोगों के साथ आके बात नहीं कर सकते, या भी कॉमन लोग भी कोई कोर्ट के ऊपर टिप्पणी करते हैं तो कोर्ट की अवमानना होती है, इस हिसाब से वो गलत है। लेकिन लोकशाही की लोकशाही अच्छी तरह से रहने के लिए उनका कहना एकदम सही है, और कोई भी यही सुप्रीम कोर्ट के जज के हों, कोई भी हों, लोगों के साथ या लोगों के लिए जो बात लोगों के लिए बात आके जनता के सामने बात करेंगे तो सबसे अच्छी बात है कि उनको पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने नहीं आना चाहिए था। जो कुछ भी उनको प्रॉब्लम थी वो खुद बार काउंसिल में या सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने बैठकर ही शॉर्ट आउट करना था, क्योंकि ये एक सेपरेट काउंसिल है एक्चुअली, ये पॉलिटिकल चीज़ें नहीं है, ये तो ये मीडिया के सामने नहीं आना चाहिए था। इससे थोड़ा कोर्ट की इज्जत थोड़ी कम हुई है, इससे जनता का विश्वास है, बट ये जनता के द्वारा इलेक्टेड नहीं है ये लोग, तो ये खुद एक कॉलेजियम है, तो जब ये खुद कॉलेजियम है तो खुद ही बैठकर अपनी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करें, ना कि पब्लिक के बीच में लेके आए इस चीज़ को। तो क्या कहना चाहोगे आप? बेटर ये था कि खुद ही बैठकर के शॉर्ट आउट करते उस प्रॉब्लम को, इसको ज़्यादा पॉलिटिकल वे में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए था इसको। तो ये पड़ेगा कि पब्लिक को ऑलरेडी मीडिया के द्वारा इतना बेवकूफ़ बना दिया गया है, पब्लिक आँख बंद करके बस वही जो पॉलिटिशियन बोल दिए बस उन्हीं के पीछे चल दिए। सच क्या है, झूठ क्या है, आज तक किसी को पता नहीं। लेकिन ये तो जज है ना, इनके पास जो वैलिडिटी, जो अहमियत है, वो कोनो किसी पॉलिटिशियन के पास नहीं है। पॉलिटिशियन का औकात नहीं जो इनसे बात कर सके। तो ये क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, बहुत सोच समझ कर क्वालिफाइड इंसान है ये, जो भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे। और इस चीज़ को तो पूरा आवाम को इनके साथ होना चाहिए। पॉलिटिशियन को वोट देते हैं, पॉलिटिशियन क्या करते हैं, उनको जो दारू पीने वाला उनको दारू पिलाया, जो पैसा लेने वाला गरीब को पैसा बांटा, वोट लिया, अपना राज करता है। लेकिन ये तो किसी से कुछ नहीं लेते ना, ये पब्लिक का ही काम करते हैं। अब इनका सपोर्ट अगर पब्लिक ना करे तो फिर तो बेकार है। तो क्या असर पड़ेगा आने वाले समय में? आने वाला समय में सारे पॉलिटिशियन जेल में होंगे, गारंटी है ये। मैं तो ये चाहती हूँ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो भी पॉलिटिशियंस लोग जो भी करते हैं, जैसा भी करते हैं, उनको अपनी तरह की रखना चाहिए, आम जनता को उसमें पॉलिटिक्स में नहीं लेना चाहिए। और ये बहुत ही खराब हुआ, बहुत गंदा हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ। इससे क्या असर पड़ेगा आम जनता पे या फिर कोर्ट पे? मेन यही है कि असर तो पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है ऐसे सिर्फ मीडिया को बुलाते हैं लोग और कुछ भी बोल देते हैं, वो ऐसा नहीं बोलना चाहिए लोगों को। लोगों को लगता है कि ऐसे कोई भी आकर के कभी भी कुछ भी बोल के और ये मीडिया को बुला करके अपनी चीज़ें बोल सकते हैं, ऐसा हर एक को हक नहीं है ये सब चीज़ें करने का।